मैंगो का सीज़न है और मैंगो के सीज़न में ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं आप लोगों के साथ मैंगो से रिलेटेड रेसिपी ना शेयर करूं और वो भी बेकिंग से रिलेटेड। तो आज मैं आप लोगों के साथ मैंगो टूटी फ्रूटी केक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं। माइक्रोवेव में बनाएंगे, बहुत आसान रेसिपी है। मेरे बच्चों का तो ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेट केक है। और देखिए, आजकल जो सीज़न में चल रहा है ना मैंगो, बड़ा पीला वाला, उसी का ही केक बनता है। बाद में जब दशहरी आम आना शुरू होता है तो उससे केक अच्छा नहीं बनता है। तो अगर आपको मैंगो केक बनाना है इस सीज़न में तो इस समय परफेक्ट टाइम है इसे बनाने का। तो चलिए सीखते हैं कि किस तरीके से बनाते हैं मैंगो केक। तो पूरी रेसिपी बहुत ध्यान से देखिएगा, अच्छी लगेगी रेसिपी। तो रेसिपी को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर आम। आम आपको इस तरीके का बड़ा और पीला लेना है, जैसे कि मैंने लिया है। ये इसी टाइम पे आता है जो अभी ये समय चल रहा है, ठीक है। आपको पहले ऊपर का छिलका हटाना है आम का, पतला पतला छिलका हटा दीजिए, ये देखिए इस तरीके से। उसके बाद देखिए इसको आपको सेपरेट करना है, यानी जो आम है उसको आपको गुठली से अलग करना है और इसका एक पेस्ट बनाना है। तो इस तरीके से छिलके उतार के आप अच्छे से धो लीजिए। उसके बाद मिक्सी में इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े डाल के और इसका एक फाइन सा पेस्ट बना लीजिए। तो बस इस तरीके से ये देखिए आपको प्योरे तैयार कर लेना है। और मैंने कर लिया है, पूरा आम डाल दिया है मैंने, पूरा एक आम लगेगा हमारा। तो बस इस तरीके की एकदम फाइन प्योरे आपको तैयार करना है और बस इसे हम एक साइड रख देते हैं। अब देखिए हमें तैयारी करनी है अब आगे की। सबसे पहले हम टूटी फ्रूटी डालेंगे। देखिए बहुत सारे कलर्स की होती है, मेरे पास ग्रीन और रेड है। अगर आपके पास और भी कलर्स की हैं तो आप ऐड करिए, उतना कलरफुल आपका केक हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने टूटी फ्रूटी ली है दो दो चम्मच और इसमें डाल दिया है मैंने एक चम्मच मैदा। अच्छे से मिक्स करना है। मैदा इसलिए डाला है, जब हम बैटर के साथ टूटी फ्रूटी को मिक्स करते हैं ना तो वो बैठती नहीं है नीचे केक के बेस पे, इसलिए आपको मैदा इस तरीके से कोट करना है। और बस ये भी तैयारी हो गई हमारी। अब लेंगे हम यहाँ पर बेकिंग टिन। तो यहाँ पर मेरा 7 इंच का बेकिंग टिन है। देखिए जब भी आप केक बेक करें 6 या 7 इंच का आप केक टिन लेंगे। एल्यूमिनियम का केक टिन है, इसमें आप डालेंगे आधा चम्मच तेल। अच्छे से आपको इस तरीके से देखिए ब्रश से अप्लाई कर लेना है और बाद केक टिन के ऊपर आप बटर पेपर लगाएंगे। अगर बटर पेपर नहीं है तो आप थोड़ा सा मैदा डस्ट करिए अच्छे से ग्रीस करने के बाद, और साइडों में अच्छे से लगा के जितना एक्स्ट्रा है उसे हटा दीजिए। तो बस इस तरीके से बटर पेपर के ऊपर भी मैंने तेल अप्लाई कर दिया और बस ये केक टिन भी हो गया हमारा तैयार। अब हमें यहाँ पर अपने माइक्रोवेव को प्रीहीट करना है। बहुत बार बताती हूँ, हर बार बताती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। सबसे मेन काम होता है बेकिंग का, तो प्रीहीट प्रोसेस सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको कन्वेक्शन मोड सेलेक्ट करना है, लोअर रैक रखना है और 180 डिग्री पे आपको 10 मिनट का टाइम लगाना है। जैसे आप रोटी बनाने के लिए तवा गर्म करते हैं ना पहले, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। बेकिंग शुरू करने से पहले आपको अपने माइक्रोवेव को एक टेम्परेचर पे गर्म करना होता है। सेम जैसा मैंने बताया, बिल्कुल सेम आप वैसे ही करेंगे, उतने ही टाइम तक आप प्रीहीट करेंगे, ठीक है। तो जब तक यहाँ पर माइक्रोवेव प्रीहीट होता है तब तक हम यहाँ पर केक के बैटर को बना लेते हैं। तो इस तरीके का आपको बाउल लेना है। तो इसमें आप सबसे पहले एग डालेंगे। देखिए मैं एग वाला केक बना रही हूँ, आप एगलेस भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैं 2 एग डाल रही हूँ। अगर आपको एग नहीं डालना है तो आप यहाँ पर देखिए 1 कटोरी दही डाल दीजिए। 1 कटोरी दही मतलब 100 ग्राम के करीब आप दही ऐड कर लीजिए, ठीक है। अच्छे से आपको फेंटना है, दही होगी वो भी फेंटना है और इस तरीके से एग है तो उसको भी फेंटना है, ठीक है। हैंड विस्कर से भी आप अच्छे से बीट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विस्कर से भी, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से झाग सा उठने लगेगा। तो एग हमारे अच्छे से बीट हो चुके हैं। अब हमें इसमें शुगर पाउडर डालना है। तो आधा कप यानी 125 ग्राम मैंने शुगर पाउडर डाला है और 125 ग्राम ही मैंने तेल डाला है, यानी आधा कप तेल और आधा कप मैंने शुगर पाउडर डाला है, ठीक है। अब इन सबको हमें साथ ही मिक्स करना है। 1 से 2 मिनट हार्डली हमें विस्कर चलाना है। उसके बाद अब हम देखिए मैंगो का पल्प डालेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए आधा कप मैंने पल्प डाल दिया है। तो यहाँ पर देखिए 125 ग्राम जो है एक आम से पल्प निकला था और पूरा मैं ऐड कर लूँगी, ठीक है। तो ये आपको रेशियो रखना है, अच्छे से मिक्स करना है। देखिए अच्छा केक बनाने के लिए मेज़रमेंट बहुत मायने रखता है। अगर मेज़रमेंट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया तो आपका केक जो है गड़बड़ा जाएगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। जितना मैं बता रही हूँ
कप से भी बता रही हूँ और ग्राम में भी बता रही हूँ, बिल्कुल सेम मेज़रमेंट आपको रखना है। इसके बाद देखिए हल्का सा मैं डालूँगी येलो फूड कलर, नहीं आप डालना चाहते हैं तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। इसमें वनीला एसेंस जाएगा एक चम्मच, और उसके बाद अच्छे से इन सबको हमें फेंटना है कम से कम एक मिनट के करीब। तो इस तरीके से देखिए ये वेट इंग्रेडिएंट्स हमारे तैयार हो गए। अब डालेंगे हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पर रखेंगे हम छन्नी, इसमें डालेंगे एक कप मैदा यानी 250 ग्राम ये मैदा है, ठीक है। एक छोटी चम्मच मैंने डाला बेकिंग पाउडर और एक चौथाई चम्मच बेकिंग सोडा, उसके बाद चुटकी भर नमक, और फिर हम इन सबको छान लेंगे, ठीक है। अब देखिए मिक्सिंग भी बहुत मैटर करती है, जब आप केक के बैटर को मिक्स करें बहुत हल्के हल्के हाथों से आपको मिक्स करना है और एक ही डायरेक्शन में करना है, जहाँ पे रिक्वायरमेंट हो वहाँ पे आप दूध डालेंगे। पहले आप इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर आप इसमें दूध ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। तो बस इस तरीके से आपको कंसिस्टेंसी रखनी है। ये देखिए एकदम बढ़िया कंसिस्टेंसी आई है, एक ही डायरेक्शन में आप स्पैचुला चलाएंगे और उसके बाद इस तरीके से आप टूटी फ्रूटी डाल देंगे। ये देखिए टूटी फ्रूटी जितना आपको पसंद है, आपके बच्चों को आप उतना ऐड करिए, अच्छे से मिक्स करिए। उसके बाद सारी चीज़ें मिक्स हो जाने के बाद आप जो है बैटर को डीमोल्ड कर देंगे केक टिन में, ठीक है। अच्छे से फटाफट प्रोसेस करना है, मेरा माइक्रोवेव भी प्री हीट होने वाला है, बस 1 से 2 मिनट का टाइम रह गया है। बस ऊपर से हम टूटी फ्रूटी से गार्निश कर लेंगे। देखिए इस तरीके से नीचे नहीं बैठती है टूटी फ्रूटी अगर आपने मैदे की कोटिंग की है तो। बस केक टिन हो गया तैयार और माइक्रोवेव भी हो गया हमारा यहाँ पर प्री हीट। बस फटाफट से गरम गरम माइक्रोवेव के अंदर डाल देते हैं हम यहाँ पर केक टिन को, और यहाँ पर 180 डिग्री पे आप टाइम लगाएंगे 40 to 45 मिनट्स, और अपने केक को बेक होने रख देंगे। आपके टेम्परेचर और टाइम पे डिपेंड करता है कितना आपके माइक्रोवेव का टेम्परेचर है और कितना आपका माइक्रोवेव टाइम लेता है बेक होने के लिए केक को, ठीक है। थोड़ा बहुत टाइम जो है कम ज़्यादा हो सकता है, एक्यूरेट टाइम बिल्कुल कभी किसी भी माइक्रोवेव का नहीं आता है। तो आप क्या करेंगे 35 या 40 मिनट्स में माइक्रोवेव का डोर खोलेंगे, चेक करेंगे नाइफ़ या टूथपिक डाल के, अगर बैटर बीच में से कच्चा है तो थोड़ा सा और बेक करेंगे। अगर आपको लगता है कि केक एकदम बेक हो गया है तो फिर आप निकाल लेंगे। तो थोड़ा बहुत देखिए आप मैनेज करेंगे अपने माइक्रोवेव के हिसाब से केक को। तो बस ये देखिए कितना बढ़िया केक हमारा फूल के तैयार हो गया और केक हो गया हमारा बेक। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितनी बढ़िया बेकिंग हुई है, टूटी फ्रूटी भी एकदम ऊपर है जो हमने ऊपर से गार्निशिंग के लिए डाली थी, और अभी केक हमारा बहुत ज़्यादा गर्म है। तो बस इस तरीके से आपको केक उतार के और टूथपिक डाल के चेक कर लेना है। ये देखिए एकदम टूथपिक या नाइफ क्लियर आए, समझ लीजिए केक पूरा बेक हो गया है बहुत अच्छे से। आप केक को कवर करके रख देंगे कम से कम तब तक जब तक ये रूम टेम्परेचर में ना आ जाए। गरम गरम केक को आप डीमोल्ड बिल्कुल नहीं करेंगे, नहीं तो आपका केक टूट जाएगा, सारी मेहनत आपकी ख़राब हो जाएगी। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको पेशेंस रखना है, फ्रिज के अंदर भी नहीं डालना है, बस रूम टेम्परेचर में रख दीजिए। और जैसे कि आजकल गर्मियाँ हैं तो फैन के नीचे रख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए केक हमारा हो गया है ठंडा, और निकाल लेते हैं। देखिए हल्का हल्का साइड से नाइफ डालेंगे, केक को लूज़ करेंगे और उसके बाद देखिए इस तरीके से डीमोल्ड कर देंगे। केक की बेकिंग उसके डीमोल्ड पर डिपेंड करती है, कितनी बढ़िया बेकिंग हुई है डीमोल्ड भी उतने ही आसानी से केक हो जाता है। ये देखिए कलर देख सकते हैं, बटर पेपर देखिए, ये देखिए कितना मज़ेदार लग रहा है ना, कितना अच्छा लग रहा है ना अभी से केक, और टेस्ट में तो ये लाजवाब है ही। और अंदर से स्पॉन्ज भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना अच्छा स्पॉन्ज आया है केक का। और सबसे अच्छी बात बताऊँ मैं अपनी आपको, मुझे बेकिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, बिगनिंग से ही पसंद है। पहले तो मैं कुकर में केक बनाया करती थी, कढ़ाई में केक बनाया करती थी जब मेरे पास माइक्रोवेव नहीं था, और जब से माइक्रोवेव आया तब से मेरी बेकिंग और अच्छी हो गई है, क्योंकि मैं बेकिंग करती रहती हूँ और बेकिंग मेरी कुकिंग का सबसे मेन पार्ट है और सबसे पहले नंबर पर आता है। अब मैं आपको अंदर से कट करके दिखाती हूँ, ये देखिए अंदर से दिखाती हूँ मैं कितना अच्छे से स्पॉन्ज आया है, ये देखिए आप देख सकते हैं। तो ये है आपका मैंगो केक। अगर मैंगो के सीज़न में मैंगो केक नहीं बना तो देखिए मैंगो का सीज़न ही कुछ अधूरा अधूरा सा रह जाएगा। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। मदर्स डे है 12 मई को, मेरे जो छोटे छोटे व्यूअर्स हैं वो अपनी मदर की हेल्प लेके अपनी मम्मा के लिए ज़रूर बनाइएगा
मैंगो केक, और उसके बाद मुझे अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर अच्छी लगती है रेसिपी तो रेसिपी को लाइक शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिएगा, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी में।